राजकुमार, मालवा की ओर से आप सभी के लिए दिवाली के उपहार लाया हूं, स्वीकार करें। और मान्यखेट के मुख्य बाजार पर दीपोत्सव का भी आयोजन किया है। आप सभी सादर आमंत्रित। पृथ्वी वल्लभ जी, मूर्ति का कार्य संपन्न हो गया? जी हाँ, बस आखिरी चरण में। जब तक दीपोत्सव का शुभारंभ होगा, मूर्ति के अनावरण की तैयारी भी हो जाएगी। राजकुमारी, मान्यखेट में दिवाली की परंपरा ना होते हुए भी आपने मेरे शब्दों का मान रखा, अनुमति दी, उसके लिए एक बार फिर आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस राजमहल से जो भी शरीक होना चाहता है उसे पूरी अनुमति है। अति उत्तम। अगर आपकी आज्ञा हो तो दीपोत्सव की तैयारियों में आज परिवार के सदस्यों का सहयोग ले सकता हूं। जी, कोई प्रतिबंध नहीं। अपनी स्वेच्छा से जो भी सहयोग करना चाहता है कर सकता है। जी धन्यवाद राजकुमारी। महाराज चालक राज को भी आमंत्रित करना था, कहां मिलेंगे फिर? बल्लभ को आप पर ऐसे हमला नहीं करना चाहिए था। आपके जख्म को देखकर हमें दुख हो रहा है। दैलबराज, मुझे मेरे जख्मों की परवाह नहीं है। इनका दर्द तो मुझे मेरे होने का एहसास दिलाता है। दर्द तो इस बात का है कि पृथ्वी ने मान्यखेट के मान को जख्मी किया है, उसकी शान को लहूलुहान किया है। दैलबराज, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी ने मान्यखेट की शराफत का, उसकी मेहमान नवाजी का गलत फायदा उठाया है। इशारा किस ओर है आपका? दैलबराज, आपने बचपन में गिद्ध और बिलाड़ की कहानी तो सुनी होगी। गिद्ध बूढ़ा हो गया था तो चिड़ियों ने उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए रख लिया। बदले में उसे खाना दिया करती थी, वो भी बच्चों की रक्षा अपने प्राण को दांव पे लगाकर करता था। फिर एक दिन एक बिलार आया। पहले तो उसे गिद्ध ने भगा दिया, फिर उसने एक तरकीब लगाई और गिद्ध से दोस्ती की, तो उसका विश्वास जीता और धीरे धीरे बच्चों का शिकार करने लगा। एक दिन चिड़िया को गिद्ध पे शक हुआ और उसने गिद्ध की हत्या कर दी। कहानी याद है आपको? इस कहानी का यहां क्या संदर्भ है? छल करने वालों पर विश्वास करने से अपनी हानि होना निश्चित है, और पृथ्वी वल्लभ के कुल का इतिहास ही छलपूर्ण रहा है महाराज। ये तो उसने अभी अपनी पहली चाल चली है, पहला वार किया है। मैंने समझाया उसे कि तुम एक मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो,
हमारे यहाँ मेहमान को भगवान के समान माना जाता है। अपना आचरण देवताओं की तरह रखो। तुम जो ये मनमानी कर रहे हो, ये अगर महाराज को पता चलेगी तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने तो हद पार कर दी। कहने लगा कि सिंहासन पर बैठे मोहरों से डरता नहीं है मालवा। राज, एक बात तो तय है कि भले ही मान्यखेट में रहकर वो अधिक कुछ ना करे, पर मान्यखेट पर लांछन अवश्य लगाएगा, दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार करेगा कि मूर्ति बनाई, दिवाली मनाई, यहां तक कि प्रतिबंध होने के बावजूद गीत संगीत का आयोजन भी किया और मान्यखेट अपनी मान अपनी परंपरा की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तैलपराज, उसका यहां पर महोत्सव मनाने में सफल होना चालुक्य वंश की हार है। ऐसी मेरी सोच, मेरा अवलोकन है। एलबराज, आप क्या सोचते समझते हैं पता नहीं। वैसे हमारा तो एक ही निष्कर्ष है, पृथ्वी को यहां से किसी भी हाल में विजय होकर जाने देना नहीं चाहिए। हम आपके साथ हैं, आपको हमारी तरफ से पूरी स्वतंत्रता है। यही तो हम चाहते थे, पहले वो मूर्ति ध्वस्त होगी, फिर पृथ्वी वल्लभ। बोझ, तुमने कोई बीड़ा उठाया भी है या केवल मेरी बातों की अवहेलना करनी है? अच्छा, लेकिन हम आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा है कोई तुमसे। ये तो बच्चा है, भावुक है, तुम्हें समझाना चाहिए ना। पृथ्वी चाचा, अपनों की रक्षा करना बचपना हो गया। दार्शनिकता का समय नहीं है बोझ। जो कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। दीपोत्सव के बाद यदि एक भी दिन तुम लोग यहाँ रुके तो मैं बंधा हुआ अनुभव करूंगा। जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ वो नहीं होगा। आगे का मार्ग मेरे अकेले का ही है, मुझे स्वयं ही तय करना होगा। मित्र, तुम्हें छोड़कर जाने का तो हृदय नहीं है, पर तुम्हारी बातों में छुपे हुए सत्य को मैं नकार नहीं सकता। उद्देश्य की पूर्ति करना अनिवार्य है, इसीलिए तुम्हारे सारे आदेशों का मैं पालन करूंगा। तुम दोनों जलमार्ग से नहीं जाओगे, सुरक्षित नहीं है। अंग प्रदेश से जाओगे, इस समय वही सुरक्षित मार्ग है। इस तरह विदा लोगे अपने चाचा से, मेरी उद्देश्य पूर्ति टकमगा नहीं जाएगी। रास्ता नहीं दिख रहा, कोई उपाय नहीं सोच रहा है। मां, उपाय है। पुत्र,
तुम यहाँ और ये क्या बातें कर रहे हो? एक ऐसा उपाय है, से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम जाओ सत्याश्रय, तुम जाओ। तुम नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकता माँ? जब से गुरुकुल से आया हूं आपको आंसू बहाते देख रहा हूं। और पिताजी को तो अपनी अक्का से फुर्सत भी नहीं। और कोशा और उसकी मौसी को तो मैं आपकी जिंदगी से निकाल के रहूं। आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। पुत्रा, सत्याश्रय, तुम इन मामलों से दूर रहो। मैं अपने दुर्भाग्य के साथ जी लूंगी। सत्याश्रय, तुम्हारी उम्र ही क्या है? बच्चा नहीं हूं मैं, बच्चा नहीं हूं मैं। देखिए ना, राजभवन के रात्रि भोज में विष किसने मिलवाया? किसी को पता चला? नहीं। किसी को भनक भी आई? नहीं। क्या? तुमने? हाँ माँ, मृणाल बुआ से मेरी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनकी हर चीज से मुझे नफरत है। मैंने प्रयास किया, विफल हो गया। ठीक है, फिर करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक सफल नहीं होता। मृणाल बुआ ने जो हमारा सार्वजनिक मान भंग किया है, उसका प्रतिशोध भी सार्वजनिक होगा और तब जाके हमारे हृदय को शांति मिलेगी और हमारे मस्तिष्क को आराम। राजकुमार, आप यहाँ? जी वो हम बस ये कहने आए थे कि आपकी यात्रा सुखद हो। हमने सुना है लंबी यात्राओं में अक्सर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हाँ हो जाता है, किंतु मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं काफी बलवान। अच्छा, लेकिन हम कैसे विश्वास कर ले? अभी अवसर नहीं है मेरी बात साबित करने का, किंतु जब अवसर आएगा मेरी बात सत्य साबित भी हो जाएगी और आप हमारी प्रशंसक भी बन जाएंगी। वो तो हम अब भी हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है आपकी बातों के, लड़ना वड़ना आता है नहीं पता नहीं, पर शब्दों के धनी हैं आप। अच्छा, ऐसा है कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, यकीन ना आए तो कभी आजमा के देखिएगा। आपका ये दोस्त आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, किंतु आपको मेरी आवश्यकता नहीं, आप अकेले ही सबल हैं। आप प्यार तो करते हैं ना हमसे, बोलिए। ऐसी बात नहीं है, भ्रम है ये आपका। भ्रम नहीं है, सत्य है। आपका साहस आपकी आंखों का नूर है,
कहा था ना, आप शब्दों के धनी हैं। अब मैं तनिक भी साहस नहीं है। हम अति शीघ्र भयभीत हो जाते हैं। शब्दों का जाल बुनकर उसमें से निकल जाना आपको अच्छे से आता है ना? मैं भी कहता हूं भ्रम है आपका और कुछ नहीं। वो कैसे? लास भय सबके मन में होता है, किंतु उस भय को हमें अपने मन पर अतिक्रमण नहीं कर देना चाहिए, अन्यथा वो भय आपका स्वभाव बन जाता है और धीरे धीरे आप उसमें अपना आनंद ढूंढने लगते हैं। एक बार उस भय की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करके देखिए, फिर देखना भीतर से कितना स्वतंत्र महसूस करोगे आप। फिर देखना मेरी बात स्वयं ही प्रमाणित हो जाएगी। धन्यवाद, आप मान्याखेट आए, बहुत अच्छा लगा। आशा है शीघ्र मिलेंगे। क्या हुआ, आपको प्रसन्नता नहीं हुई? आपसे विदा होना अच्छा नहीं लग रहा। इस मोड़ पर तुम्हें मैं विवाह का प्रस्ताव नहीं दे पाया। आकर क्यों घूम रहे हैं? अद्भुत आकर्षण है आपका, एक सम्राट से भी अपराध करा देता है। अपराध? कैसा अपराध? अका की बातों का उल्लंघन करने का अपराध। पहला अपराध, आप मान्याखेत के महाराज हैं, आप पर किसी चीज की कोई बंदिश नहीं है, आपका हर फैसला मान्याखेत के लिए हुक्म है, फिर आपको किस चीज का डर? और अगर आज यहां आपको किसी ने इस तरह छुप छुपा कर आते हुए देख लिया तो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जनता को क्या संदेश जाएगा? आपसे मिलना आवश्यक है, बाकी सब बेकार है। महाराज, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मान्याखेत की रानी का अधिकार नहीं, आज वही प्यार हमें मजबूर कर रहा है कि हम आपसे एक प्रश्न पूछें। पूछिए। आपके इस नकाबपोश रूप की वजह क्या है? अपनी अक्का का सम्मान या फिर उनका डर? कोई भी कदम खुद आजादी से नहीं उठा पाते। उषा, तुम महाराज, आपसे एक गुजारिश है।
अब आप हमसे मिलने तभी आइएगा जब जब आप ये फैसला ले लें। तब तक हम आपके बगैर जी लेंगे। वह चलिए ना विलास। क्या कर रहे हैं आप? बैठे हम आपको बताते हैं। हम आपसे एक निवेदन करेंगे तो आप स्वीकार करेंगी? आपकी कोई बात हमने डाली है आज तक? आज हम आपका श्रृंगार करना चाहते हैं प्रतिमान आवरण के उपलक्ष्य में। यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। विलास, हमने हमेशा आपकी इच्छा का मान रखा है, लेकिन आज हमारी श्रृंगार करने की कोई इच्छा नहीं है और उस अनावरण में भी हम नहीं जाएंगे। क्यों बुआ? आपने तो अनुमति दी थी। क्या आपकी इच्छा नहीं है? आप उत्सुक नहीं है? नहीं विलास, हमें उत्सुकता नहीं। वह चलिए ना हमारे लिए। विलास, हमारी इच्छा नहीं है। बुआ। विलास, हट मत कीजिए। आपको देर हो रही होगी, आप जाइए। बुआ, हम हट नहीं कर रहे, हम आग्रह कर रहे हैं। आपके बिना समारोह फीका लगेगा। विलास, उस प्रतिमा को ध्वस्त होना है, यही उसका अंत है। आप सभी के स्नेह, आशीष और सहयोग से मूर्ति का कार्य संपन्न हुआ और इसके लिए मैं आप सभी का सहृदय आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आशा भी करता हूं कि यह प्रतिमा मान्यखेट में कला और प्रेम की पुनर्स्थापना करने में सक्षम होगी। सचेत रहना और मेरे इशारे पर ध्यान देना। जैसे ही इशारा करूं विस्फोटकों की बारिश कर देना। ध्यान रहे, इशारे के बाद ही कार्यवाही आरंभ की जाएगी। जाओ और अब जाके नजर रखो। जाओ। पृथ्वी वल्लभ का शत्रु किसी भी शक्ल किसी भी छत्र में हो सकता है और अवसर पाते ही आघात कर सकता है। इसलिए हर पल सजग सतर्क और सचेत रहना होगा। किसी भी प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए। हर इंसान हर गतिविधि पर नजर रहे और आसपास की जगहों पर। पृथ्वी वल्लभ की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। कोई भी अनिष्ट मान्यखेट की गरिमा को कलंकित कर सकता है, इसलिए कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अपना प्रस्थान ग्रहण करें। राजकुमारी विलास, स्वागत है आचार्य। आयुष्मान का आचार्य विनयादित्य जी, मान्यखेट नरेश तैलपराज, राजकुमारी मृणाल और समस्त सभासदों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस दीपोत्सव के आयोजन की अनुमति दी। मैं मालवा पुत्र पृथ्वी वल्लभ बड़े ही हर्ष के साथ आप सभी का इस दीपोत्सव में स्वागत करता हूं। और मूर्ति का अनावरण राजकुमारी मृणाल के आने के पश्चात ही होगा।
बुआ के आने की संभावना नहीं है। आप चिंतित ना हो विलास, वे आएंगे। आप हमारी बात समझ नहीं रहे। हमने उनसे आने का आग्रह किया था, किंतु उन्होंने हमें बिना कोई निश्चित उत्तर दिए यहाँ भेज दिया। वो नहीं आएंगी, हम जानते हैं उन्हें, और हमें नहीं लगता हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपकी बुआ के लिए आपकी चिंता समझ सकता हूँ, किंतु मेरा विश्वास है वे अवश्य आएंगी। और अगर वो नहीं आएंगी तो क्या प्रतिमा का अनावरण नहीं होगा? नहीं आएंगी तो संदेह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है विलास, विश्वास है मेरा अवश्य आएंगी वे। हमें तो प्रत्यक्ष रूप में उनकी अरुचि दिख रही है, इस विश्वास का कोई विशेष कारण? विश्वास आस्था से आता है विलास, और कभी कभी विश्वास के पीछे कोई तर्क या कारण नहीं होता है, बस केवल विश्वास होता है। स्वागत है। ये किसकी प्रतिमा बनाई है आपने? बस कुछ समय और शेष है, एक बार महाराज तैलप राज और राजकुमारी मृणाल पधार जाएं, फिर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। मृणाल राज से बहुत कुछ सुना है आपके विषय में, वराह देव से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी नेक इच्छा पूरी करे। शुभकामना के लिए धन्यवाद, आइए। आपके संयम और धैर्य की हम प्रशंसा करते हैं, किंतु अधिक प्रतीक्षा करना श्रेयकर नहीं होगा। मृणाल को हम अच्छी तरह से जानते हैं और तैलब को भी। मृणाल कभी यह उत्सव नहीं मना पाएगी, उसके लिए यह दिन अमावस्या की रात की तरह केवल अंधेरे का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। यही करने तो आया हूं आचार्य, यही तो उद्देश्य है। अंधेरे से रोशनी की ओर लेकर जाना है, अंधेरों में ठोकरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आपकी सोच में दिव्यता है, इतने व्यवधान के बाद भी आप आशा नहीं छोड़ते। परादे आपकी मनोकामना पूर्ण करे, देश पूर्ण। हमें नहीं लगता कि हमें राजकुमारी मृणाल की ओर प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिनकी अनुमति से कार्य संपन्न हुआ है उनके बिना अनावरण तो संभव नहीं। मुझे प्रतीत होता है कि वो नहीं आएंगे। अवश्य आएंगे।
फैल अपराज। आभार आने के लिए। विश्वास था मुझे और मेरा विश्वास विजयी भी हुआ। स्वागत है। ये प्रतिमा मनोभावना है मेरी राजकुमारी के प्रति, मूर्त रूप है उस उद्देश्य का जिसके लिए मैं यहां मान्यखेट आया था। उपहार है राजकुमारी को मेरे प्रेम का, जो मैं उनसे करता हूं। समय और काल के परे वल्लभ, कैसे किया ये तो साहस तुमने? ऐसी प्रतिमा बनाने की सोची भी कैसे तुमने? हास किया है तुमने हमारी मर्यादा का, हमारे आतिथ्य का। बंदी बना लो इसे। तो आज विक्रमजीत, यहां कुछ नहीं करना है, इसको सजा मिलेगी। पृथ्वी वल्लभ ने सीमा का, औपचारिकता का उल्लंघन किया है, ले जाओ उसको कारावास में और इस प्रतिमा को ध्वस्त करने का प्रबंध करो। आप चाहे जितना विमुख हो ले राजकुमारी, ये प्रतिमा हम दोनों का वो सत्य है जिसे आप शीघ्र स्वीकार करेंगी।
पृथ्वी का वल्लभ, अब कारावास का वल्लभ है बस। बदी गर क्षण भर के लिए बंदी बना दे तो विषाद मत करना, नेकी से अगर नाम हो जाए तो गुमान मत करना, क्योंकि सूर्य का ताप सदा एक सा नहीं रहता, चंद्रमा की कलाएं हर रात बदलती हैं, समय सबका बदलता है, अवसर सबको मिलता है, भावनाएं भी बदलती हैं, आपकी भी बदलेंगी, विश्वास भी है और प्रतीक्षा भी, किंतु हमें दुख है कि आपकी ये प्रतीक्षा कभी पूरी ही नहीं होगी। तहलब राज, शत्रुता से नहीं मित्रता से प्रतिशोध समाप्त होता है, और यदि मेरे प्राणों की आहुति इस द्वेष की अग्नि की पूर्णा होती है, ठीक, मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक ही इच्छा है, मालवा और मान्यखेट के बीच मित्रता हो, शांति हो, प्रेम हो। प्रेम है हमें, मालवा के विनाश से आपके कुल के सर्वनाश से, मित्रता और शांति का ये चार अपने मन से त्याग दीजिए पृथ्वी वल्लभ, वरना शांति आपकी आत्मा को भी नहीं मिलेगी। मालवा की नियति में सिर्फ और सिर्फ मान्यखेट की अधीनता लिखी है, मित्रता का नहीं, अपनी मृत्यु का विचार करो पृथ्वी वल्लभ, हम बस तुम्हारी अंतिम इच्छा जानने आए हैं। मौत तो सबकी तय है, उस मौत में भी आनंद आए जो तुम्हारे हाथों से आए। राजकुमारी मृणाल मुझ पे अंतिम वार करेंगी, यही मेरी आखिरी इच्छा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.